दिल्ली में रविवार को नानाजी देशमुख की याद में व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी शामिल हुए। इस मौके पर जहां भागवत ने सबका साथ सबका विकास को धर्म की घोषणा बताया, वहीं रजत शर्मा ने कहा कि उन्होंने नानाजी की वजह से ही लेखन और पत्रकारिता में कदम रखा। सातवां नानाजी स्मृति व्याख्यान की ये तस्वीर है। आरएसएस से जुड़े बड़े बड़े दिग्गज आए थे, बीजेपी के नेता थे और पत्रकारिता जगत के वो लोग थे जिनकी यादें नानाजी देशमुख से जुड़ी हैं। व्याख्यान में मौजूद इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने भी उन दिनों को याद किया जब वो नानाजी के साथ थे। आपातकाल के दौरान जब सबकी गिरफ्तारी हो रही थी तो कैसे कैसे वो जेल पहुंचे और फिर नानाजी से उनकी मुलाकात हुई। आपातकाल का समय आया, हम फिर नाना जी के बारे में कहानी सुनने लगे। पैंट कमीज पहनकर, सिर मुंडवा के, फ्रेंच कट दाढ़ी रख के, चश्मा लगा के, एक नौजवान बन के वो अंडरग्राउंड मूवमेंट का काम करने लगे। विजय गोयल यहाँ बैठे हैं, हम दोनों मिलकर के एक अखबार निकालते थे मशाल नाम से, उसमें इस तरह की कहानियाँ हम लिखते थे। हालांकि वो लिखते लिखते पकड़े भी गए, पुलिस ने मारा भी बहुत बाद में। विजय गोयल जी भागने में तेज थे, ये खोखो के खिलाड़ी थे, ये भाग गए, मैं पकड़ा गया पुलिस ने। यही नहीं, रजत शर्मा ने बताया कि अगर आज उनकी पत्रकारिता जगत में कोई पहचान है तो उसका श्रेय नानाजी देशमुख को ही है। जब वो तय नहीं कर पा रहे थे कि भविष्य के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए, तब पत्रकारिता में उन्हें पहला मौका नानाजी ने ही दिलाया था। एमकॉम पास करने के बाद में छात्र राजनीति से थोड़ा विरक्त हो चुका था और सोच रहा था क्या काम करें। नानाजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम ये मंथन नाम की पत्रिका शुरू कर रहे हैं और हम यहीं इसके लिए किसी की ज़रूरत है, तो लेखन में पत्रकारिता में पहला कदम मैंने नानाजी की वजह से रखा। उन्होंने मुझे देवेंद्र सर जी से मिलवाया। इस व्याख्यान में संघ प्रमुख भी मौजूद थे और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी साथ मिला है। भागवत का कहना है कि ये नारा ही असल में धर्म की घोषणा है। आजकल घोषणा चल रही देश में सबका साथ सबका विकास, वास्तव में वो धर्म की घोषणा है। ये धर्म है सबका साथ सबका विकास, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया।